हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकी। वेलकम टू रिंकी फूड किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल एग करी। इसको देखने में जितना टेम्पटेशन लग रहा है ना, इसको खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ 5 अंडे बॉईल कर रही हूँ। इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। देखिए उबाल आ रही है। गैस ऊपर 1 तवा बिठाएंगे। 2 बड़ी चम्मच ऑयल डालेंगे। इसमें पहले अंडा को फ्राई करेंगे। इसके लिए 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, क्योंकि हल्दी और मिर्च पाउडर डालने से कलर अच्छा आता है। और उसके बाद अंडा को डालेंगे और इसको लगातार पलटते रहेंगे। अंडा का कलर लाइट ब्राउन आने तक ऐसे पलटते रहेंगे। अब देखिए कलर रेड ब्राउन हो चुका है। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे। इसमें 2 बड़ी प्याज डाल देंगे। दो बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें 2 बड़ी टेबल स्पून दही डालेंगे। इसको अच्छे तरह से मिला लेंगे। लगातार ऐसे चलाते रहेंगे। और इसमें 1 बड़ी टमाटर डालेंगे। वन पर टेबल स्पून नमक डालेंगे ताकि टमाटर अच्छे से मिक्सी हो जाए। ढक्कन देके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 5 मिनट हो गए हैं।
देखिए टमाटर अच्छे से पक गई है। इसमें 1/4 टेबल स्पून जीरा डालेंगे। वन फोर टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा वाटर डालेंगे, 1/4 कप वाटर डालेंगे। वन टेबल स्पून नमक डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। देखिए ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा लग रहा है ना। अब इसमें फ्राई किए हुए अंडे को भी डाल देंगे। अब ढाबा स्टाइल अंडा मसाला बनके रेडी हो गया। अब चलिए सर्व करते हैं। घर पे ज़रूर बनाए और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए।